फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो एक ऐसी मिठाई बनाने जा रहा हूँ सेवैयाँ की, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। हमको यहाँ पे पतली वाली सेवैयाँ लेनी है, मोटी वाली नहीं लेनी है। अगर मोटी वाली होती है तो थोड़ा सा खाने में मज़ा नहीं आता है। पतली वाली सेवैयाँ लीजिए जिसे शीरखुरमा बनता है। अब इसको हाथों से बिल्कुल क्रश कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इसको बहुत ही आसानी से हो जाती है, ये मेरा फेवरेट काम है। ये देखिए, ये वज़न में हो गया 250 ग्राम। तो ये सेवैयाँ को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं एक हैवी बॉटम पैन में। जो सेवैयाँ हमने पहले से क्रश करके रखी थी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा मेल्ट करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है। और जिस भी बर्तन के अंदर आप ये रोस्टिंग कर रहे हो वो हैवी बॉटम का होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बर्तन पतला होता है तो नीचे की तरफ से चीज़ जलने लग जाती है। मैं यहाँ पे स्टील का एक पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ट्राई प्लाई है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का लीजिए, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको लगभग 8 से 10 मिनट हमने इसको भूना है। और अब इसका कलर देखिए आप, हल्का सा सुनहरा हो चुका है, मतलब कि पूरी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं, पूरी तरह से घी के अंदर शैलो फ्राई भी हो गए हैं। यहीं पर 1 कप नारियल का बुरादा हम ऐड करेंगे। ये नारियल का जो बुरादा है ये सेवैयाँ को सॉफ्टनेस देगा एक तरह से, और टेस्ट भी बढ़ेगा। इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको भी हल्का सा भून लेंगे, मुश्किल से 2 मिनट के आसपास। इससे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल करें उसको एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें। कई बार क्या होता है कि नारियल का बुरादा पुराना होता है तो उसमें एक स्मेल आती है ऑयल की, वो नहीं आनी चाहिए। नारियल का जो बुरादा हमने डाला है उसको भूनने की वजह से एक बढ़िया सी फ्रेगनेंस आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं हम मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क। यहाँ पे हमने मिल्क मेड डाला है 400 ग्राम। इसमें मिठास तो आएगी आएगी, इसके साथ साथ इसमें सॉफ्टनेस भी आएगी। अब इसको हल्का सा हम पका भी लेंगे। जो कंडेंस मिल्क है वो हल्का सा कैमलाइज भी हो जाएगा, ये सेवैयाँ हैं ड्राई नहीं लगेगी इसकी वजह से। यहीं पर डालेंगे हम काजू का बुरादा, ये पूरी तरह से पाउडर नहीं है, हल्के से चंक्स हैं इसके अंदर। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा कम लिया है। बादाम का बुरादा, ये भी हल्के से चंक्स हैं इसके अंदर, 1/2 कप के आसपास है ये। ये रोस्टेड है, रोस्ट करके ही इसका हल्का सा पाउडर जैसा बनाना है हमको। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो बिल्कुल लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे इलायची का पाउडर। ये लगभग 5 से 6 हैं, फ्रेश कूट के डालनी होती है, पाउडर नहीं बनाना है। पाउडर बना के रखते हैं तो उसकी खुशबू उड़ जाती है। अब 4-5 भी डालेंगे तो भी बढ़िया खुशबू आएगी, तेज़ खुशबू आएगी। और जो इलायची का दाना होता है ना वो हल्का सा बड़ा भी होना चाहिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं यहाँ पर, और ये हल्का सा गर्म भी है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब फटाफट से इसको ट्रे में डालेंगे। यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, हल्का सा घी लगा सकते हैं यहाँ पे, चारों तरफ से अच्छी तरह लगाएं। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा होने से पहले पहले इसको जमाना है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बराबर कर लीजिए, दबा दबा के, किसी तरह की एयर इसमें ना रहे। पंखे के नीचे रखेंगे तो 1/2 घंटे में सेट हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो 10 मिनट में सेट हो जाएगा। ये ठंडा हो चुका है, मतलब कि सेट हो गया है। अब हल्की सी इसकी साइड को निकाल लेते हैं यहाँ से, जिससे हल्का सा ढीला हो जाएगा और डीमोल्ड होने में आसानी रहेगी। चलिए इसको टर्न करते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम, सबसे पहले बीचों बीच में से पिस्ता की हल्की सी गार्निश कर देते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मिठाई है, बहुत ही खाने में क्रिस्पी है, हल्की सी सॉफ्टनेस भी है इसके अंदर, और बहुत जल्दी बन भी जाती है।